मैथ से मिरेकल के दोस्तों, बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज़ बताता है और छोटों से बात करने का तरीका आपकी परवरिश। दोस्तों अपने शब्दों में ताकत डालिए, आवाज़ में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, बाढ़ से नहीं। यहाँ यह बात बताना और ज़रूरी है कि पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन इससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल के इन्फो सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं कि भारत के खेल को समझना तुर्की और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। तो आइए मैथ्स मिरेकल पर यह पूरा मामला समझते हुए चलते हैं। दरअसल भारत की कूटनीति को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसे समझना था वो समझ गए, और जो नहीं समझ पाए ऐसे लोग भी आगे चलकर समझ ही जाएंगे। दरअसल CSIS के उपाध्यक्ष डॉक्टर जूनियर स्टीफन मॉरिसन ने कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ भारत और इजराइल की रणनीति और कूटनीति को समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि पिछले दिनों इजराइल ने समर्थन करने वाली 25 देशों को धन्यवाद किया था, लेकिन इसमें इजराइल ने भारत का नाम नहीं लिया, जिसे लेकर तुर्की और पाकिस्तानी मीडिया ने भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि भारत के सोशल मीडिया में इजराइल के समर्थन की हवा बह रही है। इसके बावजूद इजराइल ने भारत को नज़रअंदाज कर दिया, यानी कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ विदेशी मीडिया इजराइल और भारत की दोस्ती को निशाना बनाने लगे। लेकिन डॉक्टर स्टीफन मॉरिसन ने ऐसे लोगों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि इजराइल भारत को लेकर कोई भी बयान तभी देता है जब भारत ने इसकी सहमति दी हो, यानी कि बिना भारत की सहमति के इजराइल भारत से संबंधित कोई भी बयान नहीं देता। साथ ही साथ डॉक्टर स्टीफन मॉरिसन ने खुलासा किया है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करके रणनीति और कूटनीति दोनों ही जगह पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करके कूटनीति के आधार पर अरब देशों को साधने का प्रयास किया है, जैसा कि भारत पहले से ही करता आ रहा है। लेकिन भारत ने सीधे तौर पे इजराइल के हमलों की निंदा नहीं की है, जबकि बाकी अरब देश लगातार इजराइल के हमलों की निंदा कर रहे हैं। यहां यह बात और बताना जरूरी है कि भारत ने इजराइल के हमलों की निंदा करने के बजाय गाजा से दागे गए हमास के रॉकेट की निंदा की है, और ऐसा करके भारत ने रणनीति के आधार पर इजराइल की कार्यवाही का समर्थन किया ही है। साथ ही साथ भारत ने इजराइल के साथ रणनीति और अरब देशों के साथ अपनी कूटनीति दोनों को ही मजबूत बनाने का काम किया है। और जो रणनीति और कूटनीति की भाषा समझते ही नहीं है, उन्हें ठीक से पता ही नहीं है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन में किस तरह से अरब देशों के साथ अपना व्यापार और इजराइल के साथ दोस्ती के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। ऐसे में देखा जाए तो डॉक्टर स्टीफन मॉरिसन का यह विश्लेषण उन लोगों को करारा जवाब है जो मौका मिलते ही भारत की आलोचना करने से बाज नहीं आते। तो दोस्तों, देश विदेश की ताजा तरीन खबरें आपको मैथ्स मिरेकल पे कैसे लग रही है जरूर बताना। अगर आप ये वीडियो मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और अगर आप मैथ्स मिरेकल के फेसबुक लाइव पेज पे देख रहे हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करते रहना। तो बस इस वीडियो के अंदर इतने ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।